इसके बाद हमने कुछ पॉइंट देखा था एनएफआरए के रिलेटेड, एनएफआरए के रिलेटेड ये पॉइंट्स पे जरा फोकस करो। ये पॉइंट्स हम लोग एकदम अच्छे से नहीं देख पाए थे, मैं आप लोग को फिर से ये पॉइंट्स के ऊपर ले जाना चाहता हूं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है वंस एंड फॉर ऑल। हम लोग ऑलरेडी इसको एक बार पढ़ चुके हैं, बट द थिंग इज कि कुछ बच्चों का मुझे अभी इस पे क्वेरी आया है, तो मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। देखो इस छोटे से पैरा में तीन बातें हैं, तीन बातें हैं, एक एक करके हम देखने वाले, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। ये हम ऑलरेडी पढ़े तो, और आपको इस बारे में सॉरी सब कुछ पता है, तो आप कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं इसमें। सबसे पहले फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले हम फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट पैरा क्या बोलता है, एज पर एनएफआरए रूल्स एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स। यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट, एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट ठीक है, किसकी बात ये नहीं कर रहा है, अदर देन कंपनी गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स, अदर देन कंपनी गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स। मेरा यहां पे आपको एक सवाल है, व्हाट आर द कंपनीज गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स। अब आपको ये याद दिलाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ए बी सी डी ई, क्या लिख रहा हूं ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई मजाक नहीं है, ये ए बी सी डी ई आप ही के बुक में दिए गए हैं। थोड़ा आप सेक्शन नंबर 132 पे जाओ, पेजेस पलटाओ दोस्त, पेजेस पलटाओ, आओ सेक्शन नंबर 132 पे आओ, और मेरे से ज्यादा स्पीड में आने चाहिए आप लोग अभी, ठीक है आगे। ये देखो एनएफआरए रूल्स, एज पर एनएफआरए रूल्स फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंपनीज और उनके ऑडिटर्स, एज पर एनएफआरए रूल्स NFRA shall have power to monitor and enforce compliance with accounting standard, auditing standard, oversee quality of service, so and so, of such section of auditors of the following classes of companies and body corporate. मतलब ये जो A, B, C, D, E नीचे आप देख रहे हो, ये आते हैं NFRA rules के अंदर। क्या किसके अंदर आते हैं, एनएफआरए रूल्स के अंदर। ये जो पैरा हमने यहां पढ़ा है ना विद इन 30 डेज, यही वापस पढ़ रहे हो आप, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, ये वर्ड बाय वर्ड यही पैरा उधर पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता है ना, लेकिन ये होता है कि लोग कंफ्यूजन नाम का एक चीज होता है जिसकी वजह से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूं। तो एनएफआरए रूल में ये पांच टाइप की कंपनीज बोली गई है, कौन सी पांच कंपनी है, एक तो लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जो इंडिया या इंडिया के बाहर कहीं भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज। अगर अनलिस्टेड है, बी पॉइंट बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो ऐसी कंपनी जिसका पीटीओ पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर आउटस्टैंडिंग ये 500,000 और 500 से ज्यादा है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 500 करोड़, टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 1000 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट बोरोइंग्स 500 करोड़ और मोर एज ऑन 31st मार्च। सी पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और अदर कंपनीज। डी पॉइंट एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी या पर्सन या रेफर टू बाय सीजी। और लास्ट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ई पॉइंट, इसका आगे भी पॉइंट नंबर 3 में बहुत बड़ा रिलेवेंस है। हमने बोला ना ये जो पैरा है तीन पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ये पार्ट नंबर 1 चल रहा है, जब पार्ट नंबर 3 आएगा तो इस लाइन इस पॉइंट नंबर ई का बड़ा रेफरेंस रहेगा। पॉइंट नंबर ई क्या बोलता है, अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट आपका जो इनकम और नेटवर्थ है, आपका जो इनकम और नेटवर्थ है वो आपकी होल्डिंग कंपनी जो कि इंडिया में है और ऊपर दिए गए ए बी सी डी में आती है, आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो ए बी सी डी में आती है, आप ऐसी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी हो ए बी सी डी में आने वाले कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आप ये जो इंश्योरेंस देख रहे हो इधर, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी मतलब एनएफआरए के दायरे में आ गई, इस इंश्योरेंस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है यूएसए में विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर यूएस लॉ, उसका इंडिया में कोई संबंध नहीं है, ठीक है समझ गया। पॉइंट नंबर ई बोल रहा है आप वो कंपनी हो जो कि इंडिया में आने वाली एबीसीडी यानी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी की, आप ऐसी फॉरेन सब्सिडरी हो, फॉरेन सब्सिडरी होगी ना क्योंकि उसका इंडिया में कोई संबंध नहीं है,
और ऐसी जो फॉरेन सब्सिडरी है उससे जो इनकम आ रहा है या उसका जो नेटवर्थ है वो इस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के टोटल नेटवर्थ या टोटल इनकम का 20% है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि आप सिग्निफिकेंट फॉरेन सब्सिडरी हो? मैं सिर्फ आपको ध्यान में ये कंसेप्ट ध्यान में रखने के लिए वर्ड्स ऐड कर रहा हूं, बिकॉज आपको पता है सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट मतलब 20% होता है, बिकॉज आपको पता है फॉरेन सब्सिडरी मतलब ऐसी सब्सिडरी जो आपकी सब्सिडरी है लेकिन एंटायरली फॉरेन में, इट इज अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट जस्ट बिकॉज इंडियन कंपनी इज होल्डिंग मेजोरिटी स्टेक इन दैट कंपनी इज नोन एज फॉरेन सब्सिडरी। तो बेसिकली पॉइंट नंबर ई बोलता है एंड एन एसोसिएट फॉरेन सब्सिडियरी, एन एसोसिएट फॉरेन सब्सिडरी का जो ऑडिटर है वो एनएफआरए के रूल्स में आता है। आई होप इट इज 100% क्लियर नाउ। क्लियर है? ये पांच टाइप की जो कंपनीज है ए बी सी डी ई, ये पांच टाइप की कंपनीज एनएफआरए रूल्स के अंदर आती है। लेकिन हमारा जो पॉइंट हम पढ़ रहे थे वो पॉइंट बोलता है एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स। तो इसीलिए मैंने आपको यहां पे याद दिलाने के लिए डाल दिया एनएफआरए। अब आप चाहो तो एक काम करो, आप यहां पे पेज नंबर का रेफरेंस डाल दो 9.10, यहां पे पेज का रेफरेंस डाल दो 9.10। तो ऐसी कंपनी जो एनएफआरए रूल्स के अंदर नहीं आती है, मतलब ये पांच कंपनीज को छोड़ के यानी ए बी सी डी को छोड़ के अगर आप कोई और कंपनी हो, अब आ रहा है नाउ गेटिंग माय पॉइंट, तो आपके लिए क्या करना जरूरी है ये पढ़ लो। अब देखो आपको करना क्या है, आप कौन हो ये समझ में आ गया? आप कौन हो? आप ऐसी कंपनी हो जो एनएफआरए रूल्स के अंदर दिए गए ए बी सी डी और ई में नहीं आते हो, और आप बॉडी कॉर्पोरेट भी हो। बॉडी कॉर्पोरेट बनने के लिए आपको चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 2 में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन दिया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हो जो एनएफआरए रूल्स में नहीं आते हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, मैं थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूं आपको वापस हमारे करंट पॉइंट पे। ओके दोस्त, हाँ, एज पर एनएफआरए रूल्स एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड है एग्जिस्टिंग। सर व्हाई इज इट रिटन एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट? आपने ये एग्जिस्टिंग, आपने डायरेक्ट बॉडी कॉर्पोरेट क्यों नहीं लिखा विच इज नॉट कवर्ड इन एनएफआरए रूल्स? व्हाई डिड यू राइट एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट? बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनएफआरए रूल्स आने के पहले भी जिंदगी दुनिया थी, एनएफआरए रूल्स आने के पहले भी कंपनीज थी, जो मे बी एनएफआरए के आने के बाद उसके चंगुल में आती होगी या नहीं आती होगी, दैट इज अनदर थिंग। बट एनएफआरए रूल सपोज 1 जनवरी को आया है, तो 1 जनवरी के पहले भी कंपनीज थी। तो इसीलिए मैंने आपसे एग्जिस्टिंग वर्ड यहां पे डाला है, बिकॉज उसका इंपॉर्टेंस ये है कि एनएफआरए रूल्स आने के पहले की कंपनी की बात कर रहे हैं। एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी शैल इंफॉर्म एनएफआरए विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स, इनफॉर्म एनएफआरए 1 द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑडिटर्स एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स। यानी एग्जिस्टिंग कंपनी माने कंपनी एग्जिस्टिंग बिफोर एनएफआरए रूल्स। एनएफआरए रूल्स आने के पहले आप कंपनी जिंदा थी, कंपनी बनी हुई थी। एनएफआरए रूल्स आने के बाद आप क्या करना है आपको, एनएफआरए रूल्स आने के बाद विद इन 30 डेज आपको एक इंटीमेट करना है किसको, एनएफआरए को। किस में इंटीमेट करना है, इन फॉर्म, और यहां पे कंफ्यूजन नहीं है आपको, सबके लिए फॉर्म एनएफआरए 1 दिया हुआ है। क्या इंटीमेट करेंगे, पर्टिकुलर्स ऑफ योर सीए। इज दैट क्लियर? तो जिस दिन एनएफआरए रूल्स आए उस दिन जो कंपनीज एनएफआरए के अंडर आ रही थी उनको क्या करना है, वो आप एनएफआरए रूल्स में पढ़ो। जो कंपनीज एनएफआरए के अंदर नहीं आ रही थी उन कंपनीज को भी 30 डेज के अंदर एनएफआरए 1 भर के बताना है एनएफआरए को कि भाई देख तू अभी अभी आया है, मैं बताओ तेरे को मेरा ऑडिटर ये है, मेसर सो एंड सो सी ए दी सी ए दैट ही इज आर ऑडिटर, ये आपको बताना है। अब देखो कितना एनएफआरए खतरनाक है। एनएफआरए किससे मांग रहा है ये समझ रहे हो क्या तुम? ऐसे लोगों से जो एनएफआरए के अंदर नहीं आते। एनएफआरए ऐसे कंपनीज के डिटेल मांग रहा है, ऐसे कंपनी के ऑडिटर्स की डिटेल मांग रहा है जो उनके अंडर आते ही नहीं है। तो जो उनके अंदर आते हैं उनसे तो क्या क्या मांगा होगा ये तो हमने वहां पढ़ भी लिया है।
हमने ऊपर 9.10, अगर आप ये पेज नंबर 9.10 फिर से निकालेंगे, आज ये पॉइंट पूरा क्लियर करूंगा मैं, इस पे दोबारा मैं टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता आज, और इतना जितना मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्रस्ट में कोई भी टीचर इस पे इतना पॉइंट टाइम नहीं डालेगा, क्योंकि बच्चों को नहीं समझता कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होते हो सकती है कौन सी नहीं, बट छोटी छोटी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो यहां पर देखो हुआ क्या है, यहां पर आपको एनएफआरए के अंदर रूल्स में आपने एबीसीडी पढ़ा, तब उसके बारे में यहां पे बोला है। ओके, यहां पे क्या बोला है आपको, ये जो कंपनीज है इन कंपनीज को ऑलरेडी इसने अपने जैसी जिस दिन ये फॉर्म हुआ ना, हाँ ये देखो ये बोल रहा है, जिस दिन मैं फॉर्म हुआ, जिस दिन ये रूल्स लिखे हैं, उसी दिन से मैं इन कंपनीज को देखने लग गया हूं, इन कंपनीज को देखने लग गया, और इनको कोई चीज इनको बताने की जरूरत नहीं, इनके कंपनीज के ऑडिटर ऑलरेडी एनएफआरए के इसमें आ गए हैं। जो बाकी कंपनी से जो एनएफआरए रूल्स के अंडर नहीं आती है, उनको बोला है कि आप सिर्फ हमको इंटीमेट करके रखो, जब मैं जिस दिन पैदा हुआ एनएफआरए रूल जिस दिन आया, मेरे को इंटीमेट करके रखो आपका ऑडिटर कौन है। मैं बोल रहा हूं कि मैं देखने वाला नहीं हूं, बट फिर भी मेरे को इंटीमेट करके रखो, क्या पता कल को आप भी आ जाओ एनएफआरए रूल्स के अंडर। तो यहां पर आप देखोगे तो उसके सारे रूल्स इस पैराज में लिखे हैं जो हमने एनएफआरए रूल्स के अंदर पढ़े हैं। ठीक है, ओके ओके, एक 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 करके हम लोग पहले एक एक पैरा कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखो एक एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं, पर ये मैंने पॉइंट वन आपको पूरा बता दिया। पॉइंट वन बोलता है एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी अदर देन कंपनी गवर्न्ड बाय एनएफआरए रूल्स, उसको करना क्या है, उसको एग्जिस्टिंग कंपनी को विद इन 30 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट कमेंसमेंट ऑफ एनएफआरए रूल्स, आपको इंटीमेट करना है एनएफआरए को, एनएफआरए वन में, फॉर्म एनएफआरए वन में पर्टिकुलर्स ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब देखो पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू इसमें क्या बात कर रहा है, पॉइंट नंबर टू बोलता है एवरी बॉडी कॉर्पोरेट, फिर से किसकी बारे में बात कर रहा है, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट, या आप डायरेक्ट बॉडी कॉर्पोरेट भी लिख सकते हो, अदर देन अ कंपनी डिफाइनिंग क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। तो यहां पे क्या बोला है, अदर देन कंपनी कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो कंपनी का डेफिनेशन है, मतलब जो कंपनी, हमारे कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी मींस कंपनी एज में भी डिफाइंड इन दिस दिस कंपनीज एक्ट, एज में भी फॉर्मड इन दिस कंपनीज एक्ट, तो ये कंपनीज उसका भी आई थिंक हमारे बुक्स में, हमने फर्स्ट बुक में आप देखोगे तो कंपनी का डेफिनेशन भी आपको वहां मिल जाएगा। तो हमारे कंपनीज एक्ट के कंपनी को छोड़ के बाकी जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर कंपनी एज डिफाइंड सेक्शन 2 फॉर्मड इन इंडिया। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर्मड इन इंडिया, तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मतलब ऐसा बोलना चाहते हो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट जो है ये एक कंपनी नहीं है, हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट इज नॉट अ कंपनी, बट येट इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। अब आपको सर ये कैसे हो सकता है ये जानने के लिए, आपने देखा है कि बॉडी कॉर्पोरेट बोलते कंपनी के अलावा बहुत सारी चीजें आती है बॉडी कॉर्पोरेट में, आपको चाहिए तो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन भी आप सेक्शन 2 में जाके पढ़ लो, तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट हो एक्सेप्ट अदर देन इंडियन कंपनी, ठीक है, इंडियन कंपनी को छोड़ के आप बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया में बने हो, विच इज फॉर्मड इन इंडिया, ठीक है, ओके, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी एज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द एक्ट फॉर्मड इन इंडिया एंड गवर्न्ड अंडर एनएफआरए रूल्स, एंड गवर्न्ड अंडर एनएफआरए रूल्स। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, यू आर गवर्न्ड अंडर, ये मैं आपको ऊपर दिखाने ले गया था लेकिन उन्होंने ऊपर, हम लोगों ने वो चैप्टर में नहीं दिया है, यहां दिया है फॉर सम रीजंस आई डोंट नो व्हाई, एनएफआरए रूल्स। अब आपको क्या करना है, तो यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट यू आर नॉट अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20।
ओके एंड यू आर गवर्न अंडर एनएफआरए रूल्स. एनएफआरए रूल्स में गवर्न होना मतलब क्या है, यू आप ए बी सी डी और ई हो, इनमें से कोई हो. ओके क्लियर है, ठीक है. गवर्न अंडर एनएफआर रूल्स शैल विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139. यानी आपको करना क्या है, आपको यहां पे लिखना है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. और वो भी एक काम करो, यहां पे क्या बोले, ऑडिटर अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139. आपको पता है सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 में क्या है, कौन सा ऑडिटर है? वेरी गुड, सब्सिक्वेंट ऑडिटर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, क्योंकि यहां पे क्लियरली लिखा है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139. इनफॉर्म एनएफआरए 1. करना क्या है आपको भाई, करना ये है इनफॉर्म एनएफआरए, इन एनएफॉर्म एनएफआरए 1. ये आपको अच्छा है कि एक ही फॉर्म है. द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट. करना क्या है, इंटीमेट क्या करना है, पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स ऑफ सीए दैट हैज बीन अपॉइंटेड. तो अगर आप कंपनी, आप ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट हो विच इज अदर देन कंपनी एज स्पेसिफाइड इन, अदर देन इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 20, आप फॉर्मड इन इंडिया हो. अब यहां पर उन्होंने यूज कर लिया वर्ड फॉर्मड इन इंडिया, यहां पे उन्होंने यूज कर लिया वर्ड फॉर्मड इन इंडिया. अगर आप ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी ई में से पॉइंट नंबर ई पे गौर करोगे तो आपको रियलाइज होगा पॉइंट नंबर ई की जो कंपनी है, सर दैट कंपनी इज नॉट फॉर्मड इन इंडिया. पॉइंट नंबर ई में जिस कंपनी का जिक्र है सर, वो तो एसोसिएट फॉरेन सब्सिडरी की बात कर रहे हैं, दैट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ये जो आपने अभी पूरा रूल पढ़ा ये किस पे अप्लाई होता है, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन फॉर्मड इन इंडिया. तो सर आप कितना भी चिल्ला लो पॉइंट नंबर ई पे ये अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज पॉइंट नंबर ई की जो कंपनी है दे आर नॉट फॉर्मड इन इंडिया. इनकी होल्डिंग कंपनी आर फॉर्मड इन इंडिया बट दिस सब्सिडरी कंपनी इज अ फॉरेन सब्सिडरी कंपनी, दिस इज इन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया. तो वो क्यों अपना NFRA 1 भरेंगे? तो ऐसे ही लोग करने लगे, ऐसे ही लोग करने लगे. लोगों ने क्या बोला, देखो आपने जब ये बनाया आपने क्या लिखा, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 फॉर्मड इन इंडिया, फॉर्मड इन इंडिया गवर्न अंडर NFRA रूल्स. तो मैंने बोला कि सर ए जो कंपनी लिस्टेड कंपनी दे कैन बी फॉर्मड इन इंडिया, बी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पीटीओ ऑफ 500 1500 दे कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. पॉइंट नंबर सी इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग कंपनी सब कंपनी फॉर्मड इन इंडिया हो सकता है. डी में और एक टाइप की कंपनी है वो जो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है वो भी फॉर्मड इन इंडिया हो सकता है. लेकिन सर पॉइंट नंबर ई का पहला ही लाइन बोलता है कि यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड यू आर अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया एंड यूर इनकम एंड नेटवर्थ इज 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम एंड नेटवर्थ ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी. तो इसका मतलब सर पॉइंट नंबर ई में जिस बॉडी कॉर्पोरेट की आप बात करें वो कभी भी जीवन में इंडिया में फॉर्म हुई भी हो ही नहीं सकती. तो अब उस पर इसका मतलब उस अब वो आ रहा है वो जो पॉइंट नंबर ई है वो जो कंपनी है जो फॉरेन में है वो आती है ना फॉरेन रूल्स के अंदर है, लेकिन उसको एनएफआरए को इंटीमेट करने की जरूरत ही नहीं है. तो ये तो फायदा हो गया उसका, इन शॉर्ट उसने रूल्स का फायदा उठा लिया ना. जैसे ए बी सी डी ई सारे के सारे एनएफआरए के अंदर आते हैं तो सारे लोगों को 15 दिन के अंदर बोला है कि अपना जो भी 15 दिन के अंदर ऑडिटर बताओ, लेकिन ए बी सी डी ई बताएंगे ई नहीं बताएगा, ए बी सी डी बताएगा ई नहीं बताएगा, बोलेगा कि मैं आता नहीं हूं, रूल में बोला है फॉर्मड इन इंडिया, मैं आई एम नॉट फॉर्मड इन इंडिया. इसका मिसयूज ना हो इसीलिए पॉइंट नंबर 3 सामने आया. पॉइंट नंबर 3 बोलता है देखो यहां यहीं पे पढ़ो ये, यहां से देखो, प्रोवाइडेड दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न अंडर क्लॉज ई ऑफ सब रूल 1 ऑफ एनएफआरए रूल्स शैल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू इट्स ऑडिटर इन फॉर्म NFRA 1. तो उसने बोला कि बेटा तुम भी NFRA 1 में हमको डिटेल्स प्रोवाइड करो. बात अलग है कि उसके लिए कोई डेज का वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं बोला है, लेकिन क्लियरली बोला है कि जो कंपनीज फॉलिंग अंडर क्लॉज
क्लॉज ई, ठीक है, ये यहां वाली स्टार वाली, इनको भी, इनको भी एनएफआरए को, एनएफआरए को इंटीमेट करना है किसमें, तो एनएफआरए वन फॉर्म में. इज दैट क्लियर? तो आपको ये तीनों ब्रेकअप समझे. तो सर इसका मतलब अगर आप एनएफआरए रूल में नहीं आते हो तो आपको 30 डेज में बताना है. अगर आप एनएफआरए रूल्स में नहीं आते हो तो आपको 30 डेज में बताना है. अगर आप एनएफआरए रूल्स में आते हो तो अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर आपको इनको बताना है. इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, क्योंकि आप एनएफआरए रूल में आते हो तो आप पे देखेंगे. अच्छा, अगर आप फॉर्म पॉइंट नंबर ई में आते हो तो आपको भी एनएफआरए वन भर के इसको इंटीमेट करना है. इज दैट क्लियर? अब आई होप आपको ये जो दो पैरा है मैंने एकदम वर्ड बाय वर्ड इतने डिटेल में पढ़ा है जितना शायद आप खुद भी पढ़ते या तो स्पेसिफिकली नहीं समझता. तीन पैरा क्लियर हो गए.